सभी साथियों को जैकसान। साथियों, आज 26 मार्च है और दिन है रविवार। वैसे तो हाजिर के जो बाजार हैं वो बंद रहते हैं साथियों, रविवार को कोई बहुत बड़ा जो है कारोबार नहीं होता है साथियों, लेकिन फिर भी अपने एक स्पेशल लाइव करते होते हैं रविवार को और अगले सप्ताह के ऊपर फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं। आज जो चर्चा करेंगे साथियों, सरसों की एमएसपी और चने की एमएसपी की एबीसीडी के ऊपर क्या हो रहा है, कितनी रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके ऊपर, और चर्चा करेंगे साथियों सरसों के अगले जो नई सरसों है इसकी अगले सप्ताह के रुझान के बारे में, और थोड़ी चर्चा करेंगे कॉटन के ऊपर और ग्वार के ऊपर साथियों, गेहूं के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जौ के ऊपर भी साथियों। तो सबसे पहले आप सबसे वही विनम्र निवेदन साथियों, एक एक बटन जो है शेयर वाला दबा देना। बंबू जी आ गए हैं, शेयर कर दिया, स्वामी जी ने शेयर कर दिया, धन्यवाद आप सबका। और भाई सारे साथी शेयर करते गए ना, मैं बोलता जाऊंगा बीच में। देखिए, पिछले सप्ताह और उससे पिछले सप्ताह 3-4 बार बहुत ही भारी जो है ओलावृष्टि हुई है साथियों, बड़ा नुकसान हुआ है। अपने एमएसपी के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पहले मेरा निवेदन है भाई आप सारे साथी एक एक शेयर कर देना, थोड़ी चर्चा सरसों के ऊपर कर लेते हैं, फिर एमएसपी के ऊपर चर्चा करेंगे, सरसों की एमएसपी का आगे क्या रह सकता है। तो उस गले जो गड़ेमारी हुई, जो ओलावृष्टि हुई, भयंकर बहुत ज्यादा बुरे हालात जो है उसके हुए, और सरसों को बड़ा नुकसान, गेहूं को बहुत बड़ा नुकसान, दोनों तीनों फसलों को जो अभी हमारी हाजिर में मंडियां, हाजिर में जो हमारी फसलें हैं जो अभी करंट क्रॉप्स हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ साथियों को, उसका असर देखने को मिला। और पिछले सप्ताह सरसों के बाजारों के अंदर पूरे, अगर पूरे वीक को अगर अपने कंपेयर करें, पूरे सप्ताह को अगर तुलना करें, तो 50 से लेकर 70-80 रुपए तक का लास्ट जाते जो है सुधार हुआ है। और ओलावृष्टि के साथ साथ जो स्टेबिलिटी बनी है साथियों, मौसम का जो आगे का अपडेट है उसका भी इंपैक्ट रह रहा है सरसों के अंदर। अभी 3-4 दिन मौसम ठीक बता रहे हैं, 29 से लेके दोबारा फिर आगे 3-4 दिन का एक बहुत बड़ा सेशन बता रहे हैं कि शायद एक खराब जो है मौसम होगा। तो वो जो चीज है उसका बहुत बड़ा फर्क रहेगा, उसका भी एक दबाव बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, या ना तो कोई खल के अंदर, सरसों खल के अंदर, ना कोई सरसों के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी अगर भारत का जो सरसों का बाजार है जो पिछले सप्ताह जो है स्टेबल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मौसम का काफी बड़ा इंपैक्ट इधर पड़ा है। हाँ, यह है कि कोई बहुत तो बड़ी देखिए नहीं लगता कि यार कि तेजी अगले सप्ताह बनेगी, लेकिन लग रहा है कि स्टेबिलिटी रहनी चाहिए बाजारों के अंदर। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, सरसों के बाजार में इस बार पिछले साल वाला जो सिस्टम था ना, सरसों 7200-7300 पहुंच गई थी, वो जल्दी सी बनता हुआ नजर नहीं आने वाला साथियों। काफी स्टेटों में चुनाव है, सरकार को महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना भी जरूरी है और ये मस्ट नीडेड चीजें हैं, उन सब के चलते इनका जो है सरसों के तेल का रेट कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल साथियों अब नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। स्टॉकिस्ट भी कोई बहुत ज्यादा स्टॉक जो है अभी सरसों का करके नहीं बैठे हैं, कैरी फॉरवर्ड थोड़ा बहुत है पिछले साल वाला, लेकिन फिर भी अगर टोटल उत्पादन के अंदर गिरावट आती है, 118 लाख टन सरकारी एजेंसियों ने बताया था, 90 से 100 लाख टन का हमने बताया था, मेरा भी यही था कि 90 से 100 लाख टन के बीच में रहेगा, लेकिन ये जो भी नुकसान हुआ है इससे लगता है कि थोड़ा सा और जो है उत्पादन सरसों का घट सकता है, फिर एक मजबूती सरसों को मिल सकती है, एक सरसों को बल मिल सकता है। अभी आगे मौसम भी खराब बता रहे हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं साथियों कि सभी साथियों की फसल जो है बच जाए, चलिए 6000 ही बिक जाए सरसों, 5500 ही बिक जाए, लेकिन किसी भाई के घर का और खेत का जो है पूरा नुकसान ना हो ओलावृष्टि से, ऐसे हमारी कामना है साथियों। बात करते हैं साथियों सरसों की एमएसपी की। देखिए, एमएसपी तो ऊंट के मुंह में जीरा है, ये मैं तो लगातार बहुत सालों से इस बात को उठाया है, लेकिन बात यह है कि इस साल भी 25 क्विंटल का रिस्ट्रिक्शन है कि एक खाते की 25 क्विंटल सरसों जो है खरीदेंगे, वो बिल्कुल थोड़ी है पहली बात। दूसरी बात, उसका प्रोसेस है जो वो इतना ज्यादा हार्ड है साथियों, इतना ज्यादा दिक्कत है उसके अंदर कि पहली बात तो साइट ही नहीं खुल रही, दूसरी बार
दूसरी बात जो है उसके डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड नहीं हो रहे। ठेके जिन्होंने जमीन ली है ठेकेनामा ये पुराना मांग रहे हैं, ये कह रहे कि ठेकेनामा पुराना होना चाहिए। इन सबको लेके हालांकि संगठन में भी चर्चा करके जो है जल्दी से एक कोई मीटिंग करके कलेक्टर साहब से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, शायद संगठन की मीटिंग भी साथियों करेंगे, करके मांग रखेंगे कि कम से कम यार 50 क्विंटल सरसों तो खरीदो, 25 क्विंटल सरसों और 25 क्विंटल चने से क्या होगा बताओ। जिस 25 क्विंटल तो ये असल के अंदर कहानी इसके अंदर और है साथियों, चलो आज रविवार है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो नीतियां तय हो रही है ना, ये पता नहीं कौन लोग तय कर रहे हैं। हमारे जो दो जिले हैं गंगानगर हनुमानगढ़ जिला हो गया और काफी इलाका जो है बीकानेर का हो गया, यहां पर सरसों का उत्पादन अगर भगवान की कृपा रहे, अगर प्रकृति मेहरबान रहे तो 5 से 6 क्विंटल आम बात है। लेकिन नीतियां तय करने वाले जो लोग हैं वो उस साइड के हैं, ऊपर के जो रेतीला एरिया है वहां के उस साइड के हैं, वहां पर सर शायद केनाल भी 3 केनाल के बीघा मेरे ख्याल से कोटा साइड तो वहां पर सरसों का उत्पादन होता है 2 से 2.5-3 क्विंटल प्रति बीघा। अब नीतियां उस हिसाब से बढ़ती हैं, इधर को हमेशा जो हमारा इलाका है इसको नुकसान होता है, ये एक कॉमन सा ही फैक्ट है। हालांकि यहां का भी कोई कृषि मंत्री बन जाए तो फिर भी मुझे नहीं लगता कोई न्याय करेगा साथियों, क्योंकि राजनीति एक अलग साइड है, ये किसानी जो है एक अलग साइड है, बहुत फर्क रह जाता है। असल के अंदर 50 क्विंटल खरीद तो कम से कम होनी चाहिए, पिछले साल एक बार रिस्ट्रिक्शन लगाया था 25 क्विंटल का, तब सुंदरा जी ने गंगानगर का दौरा किया था, वहां पर किसानों ने घेराव करके उनका 25 से 40 क्विंटल कराया था। अभी भी मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं शायद 1-2 दिन में हनुमानगढ़ और गंगानगर के कुछ इलाकों में, अनूपगढ़ भी आ रहे हैं मैंने सुना है, तो फिर जो है कोशिश करेंगे उनसे मिलने की और बात रखने की कोशिश करेंगे कि इसको जो है बढ़ाया जाए और उसकी खरीद का प्रोसेस जो है उसको सस्ता की जाए। देखिए अगर 50 क्विंटल सरसों एमएसपी के ऊपर और चने बिकने लगे तो उससे जो बाजार के सस्ता लेने वाले लोग हैं उनके कान खड़े होंगे, इस चीज का काफी फर्क पड़ेगा। इस बात में 5400 समथिंग इसका है, 5440-5460 है जो इसका एमएसपी है, तो उससे जो लोकल बाजार है उनके अंदर एक सुधार ऑटोमेटिकली बनेगा अगर 40-50 क्विंटल सरसों जो है सरकारी रेट पे खरीदे। एमएसपी हर साल बढ़ा देने से क्या फायदा, हर साल आप 100-150-200 करके एमएसपी बढ़ा रहे हो, जब खरीदना ही नहीं है तो फिर एमएसपी बढ़ाने का औचित्य क्या है। मैं तो ये कहता हूं कि आप एमएसपी मत बढ़ाओ यार, 2 साल बंद कर दो एमएसपी बढ़ाना, जब देना ही नहीं उसको बढ़ाने का फायदा क्या है, 2 साल बंद कर दो, लेकिन ऐसा प्रबंध कर दो कि एमएसपी पर सारी फसल खरीदी जाएगी और एमएसपी से नीचे खरीदना कानूनन अपराध होना चाहिए, इतना बड़ा जुर्म कि जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसको जेल जाना पड़े। फिर तो है देखो एमएसपी का फायदा, अगर एमएसपी पर सरसों खरीद नहीं करनी, चना खरीद नहीं करना है ना, दूसरी फसलें हमारा मूंग है वो रुल रहा है, इधर बाजरा ले लो वो रुल रहा है, तो फिर एमएसपी का कोई औचित्य रह नहीं जाता, कोई मतलब वाली बात नहीं, वो तो एक राजनीतिक रोटी सेकने वाली बात है कि ठीक है हर साल बढ़ा दो और बढ़ाने के बाद क्या है उसको बढ़ा के छोड़ दो, बस खरीदी तो खरीदी, नहीं खरीदी तो नहीं खरीदी। में मूंग के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है साथियों को पीछे, और आगे भी लग, अब जौ का देख लो आप, जौ के अंदर भी नुकसान हो रहा है, जौ का भाव भी 1500-1600 रुपए बाजारों के अंदर घूम रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या और आ रही है बाजारों के अंदर अभी, उसको लेकर भी जल्दी प्रशासन से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं साथियों, वो ये है कि सरसों की लैब के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है, लैब की काफी गड़बड़ आ रही है, 2 बार लैब निकलाते हैं तो दोनों बार जो है अलग अलग लैब निकल रही है, तो वो भी देखा जाएगा। तो ये कार्य साथियों सरसों की अगले सप्ताह तेजी कोई बड़ी तो नहीं है साथियों, स्टेबिलिटी रह जाए, थोड़ा बहुत सुधार बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज सोचने वाली यहां पे ये है कि इस सप्ताह के सोमवार से लेके मेरे ख्याल से शुक्रवार तक, लगभग शुक्रवार वीरवार तक बृहस्पतिवार तक, तब तक बरसात नहीं रहेगी, मौसम अच्छा रहेगा तो आवकें बढ़ेंगी, इस बात में कोई भी दोराय साथियों नहीं है। जब आवकें बढ़ेंगी हो सकता है वापिस फिर 12-13 लाख कट्टे की और आवक चली जाए, तो आवकें बढ़ेंगी तो फिर लग रहा है साथियों कि शायद जो है एक दबाव भी बन सकता है सरसों के ऊपर, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़ी तेजी सरसों के अंदर अगले सप्ताह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। बात करें साथियों कॉटन की, आवकें बहुत ज्यादा आवके हैं, बहुत भरपूर, मैं मेरे रस्ते में जो है 3-4 फैक्ट्रियां 5 फैक्ट्रियां पड़ती हैं, मैं रोज देखता हूं, मन भी बड़ा उदास होता है कि यार ये जो किसान भाई थे ये 10,000 के सपने लेके इन्होंने नरमा संभाल के रखा था, लेकिन नरमा आज जो है 7500-8000 के घरों में बिक रहा है, तो बड़ा दुख भी होता है साथियों, लेकिन किसान करे भी क्या, अब कब तक रखे, अब अगली फसल की बीजान भी करनी है, उसके लिए खाद भी चाहिए, तेल भी चाहिए, बीज भी चाहिए,
तो सारा ताम जाम सिस्टम, अब बच्चों की फीस भी जमा करवानी होती है, बहुत सारा यार। हमारा तो सारा सिस्टम ही किसानी के ऊपर चलता है, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने बहन की शादी करनी है, और इसलिए ज्यादा दिन तक कब तक रख ले। हालांकि कुछ साथी जो जो जिनका ये फील्ड नहीं है, जो हाथ से काम नहीं करते, वो ये बोल देते हैं कि यार किसानों को फसल रोक लेनी चाहिए, किसानों को तीन चार साल फसल बेचनी चाहिए। तो भाई खाना भी है, केसीसियां भी भरनी है, सारे सिस्टम देखना पड़ता है। तो इसलिए अभी आवकें काफी ज्यादा हैं, कॉटन की बहुत ज्यादा आवकें हैं, और आवकों की वजह से जो है कॉटन के भावों के अंदर अगले सप्ताह भी कोई बड़ा सुधार तो नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज है साथियों, कॉटन जो नया है उसके आने की अभी अभी जो टाइम है वो बहुत दूर है नए कॉटन की, अभी तो बिजान नहीं किया, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है। कॉटन कमजोर है, क्रॉप कमजोर थी, फसल कमजोर थी, इस बात में भी कोई दोराय नहीं है, लेकिन कॉटन की मांग नहीं है, दिक्कत यह है। लेकिन कॉटन कमजोर होने से ये लगता है कि शायद एक झटका और लग जाए यार, 8,000 से ऊपर कोई 81-82 तक भी बिक जाए तो फिर भी यार 9,000 वाला बंदा सबर करता कि चलो यार 82-83 ही बिक गया, तो वो चीजें हो जाती हैं साथियों। लेकिन फिर भी अगले सप्ताह तो की बहुत बड़ी तेजी कॉटन के अंदर बनती दिखाई नहीं दे रही। ग्वार के बारे में बात करें, ग्वार के अंदर भी देखिए पूरा मार्च बीत चुका है अब लगभग, और अगले सप्ताह मार्च के अगले सप्ताह में भी कोई जादुई तेजी ग्वार के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। पिछले सप्ताह एक आधा सर्किट लगा था तेजी का, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो जो हाजिर की मंडियां थी, जो हमारी धान मंडियां हैं, वहां तो कोई देखने को मिला नहीं। तो वो तो ग्वार का तो खेला है भैया, ऐसा फंडा है ग्वार को, तो ऐसे लग रहा है कि कोई चला रहा है ग्वार को, ये लग रहा है कि 400-500 अंक का सर्किट लग रहा है वायदा के अंदर, लेकिन बाजारों के अंदर कोई तेजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। तो वो जो चीजें हैं वो अभी देखते हैं कब तक ये लोग मैनेज कर पाते हैं। गेहूं के भी हालात ठीक नहीं है भाइयों, हालांकि गेहूं का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है बरसात और ओलावृष्टि से। और एक दुख की बात और बताऊं, आज मैंने हमारे देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी का एक बयान पढ़ा कि ओलावृष्टि से और बरसात से गेहूं को कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब यार आंखों में पानी आ गया यार, किस लेवल की राजनीति हो गई हमारी। स्पष्ट दिख रहा है हजारों एकड़ गेहूं जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया, और सामने से यार छाती तान की स्टेटमेंट दी जा रही है कि नुकसान तो हुआ नहीं कोई। बड़ा मुझे अफसोस हुआ उस बात का, बहुत बड़ा नुकसान है साथियों कॉटन में। पंजाब के बेल्ट में बहुत ज्यादा नुकसान है, इधर हरियाणा के और राजस्थान के भी, जो उत्तरी जो भारत है इसके काफी इलाकों के अंदर काफी बड़ा नुकसान है साथियों गेहूं को। ये लग रहा था कि गेहूं इस बार एमएसपी से नीचे जाएगा, और काफी मंडियों में नीचे बिक भी गया था गेहूं, लेकिन अब ये जो नुकसान हुआ है इससे ये लग रहा है कि कम से कम गेहूं तो जो है वो लगभग उम्मीद है कि ये बिकना चाहिए एमएसपी के ऊपर। कल एक साथी ने, एमपी के साथी ने कमेंट किया था, वो बता रहे थे कि हमारे यहां पर रिस्ट्रिक्शन लग गया है, गेहूं 10 क्विंटल ही लेते हैं एमएसपी के ऊपर। ये बात मैंने कई दिन पहले आपको बोला था कि लिख के रख लो, ये एक दो सालों के बाद ये तय हो जाएगा कि गेहूं 8 क्विंटल या 10 क्विंटल ही हम लोग खरीदेंगे बीघे का। अभी तो कैसे सारा खरीद लेते हैं, अभी तो इस बार तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी भी इसमें भी रिस्ट्रिक्शन ऑनलाइन वाला लगा दिया है कि ऑनलाइन खरीदेंगे, वो भी एक फंडा पड़ गया है। लेकिन एक साथी ने लिखा था कि शायद जो है, मेरे को याद नहीं कल लिखा था, उन्होंने लिखा था कि हमारे एमपी के अंदर तो शायद, पता नहीं या बिहार का कमेंट था कि हमारे तो वहां पे 10 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन लग गया, 10 क्विंटल ही खरीदते हैं। तो ये भी साथियों बेहद ही आगे आने वाले टाइम में। आगे बात करें साथियों जौ की, भाई जौ में कोई तेजी नहीं है, अगले सप्ताह मुश्किल लग रहा है जौ में कोई तेजी, क्योंकि जौ के भाव तो 1600-1800 रह गए हैं, और जौ के भाव के अंदर भी कोई अगले सप्ताह साथियों तेजी नहीं है। चने के भाव की बात करें, एक मजबूती बनी थी, लेकिन अब जो है इन दिनों ये लग रहा है कि शायद चने में भी कोई जल्दी से सुधार जो है बनता हुआ साथियों दिखाई नहीं देगा। चर्चा साथियों कल करेंगे जीरे के बारे में, जौ के बारे में बता दिया नरेश जी, बता दिया जौ के बारे में। जिन भाइयों ने वीडियो को शेयर किया भाई सबका धन्यवाद, एक एक शेयर और कर देना सारे साथी, क्योंकि एमएसपी की बात जो है आगे तक पहुंचनी जरूरी है साथियों। तो कल मिलेंगे साथियों 8:30 बजे यहां पर, और 9 बजे YouTube चैनल के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।